नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान का चुनाव होने वाला है, आगाज हो चुका है और रणभेरिया गूंज चुकी है। उसके साथ ही तमाम सियासी दल के दिग्गज मैदान में अपनी भाग्य की किस्मत आजमा रहे हैं। दूर दराज से कोई नेता अगर आपको हाथ जोड़ता हुआ नजर आए तो कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। अगर आप नज़र नहीं मिलाएंगे तो वो हो सकता है पैरों में भी लौट जाए। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता 7 दिसंबर को उनके भाग्य का फैसला EVM में कैद करेगी, जिसके नतीजे 11 तारीख को आएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मतदान तो होते रहते हैं, चुनाव हमको क्या लेना देना है, हम क्या वोट डालेंगे, हमको तो मजदूरी करके ही खाना है कोई भी जीते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपके विचार, आपको मजदूरी करके ही खाना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देश आज़ाद होने से पहले आपका राजा कौन होगा, कौन आपके ऊपर राज करेगा, ये पूछने के लिए आपको आपके घर पर कोई नहीं आता था। देश के महापुरुषों ने संविधान का निर्माण करके आपको ये हक दिया कि आप अपना शासक, अपना राजा खुद चुन सकते हैं। जो आपको पसंद नहीं आता है उसको एक वोट की ताकत से आप सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इस ताकत का पूरा उपयोग आप अवश्य करें। 7 दिसंबर को वोट डालने जरूर दी जाएँ, घर से जरूर निकलें, हर काम को बाद में करें, पहले मतदान अवश्य करें। आप कितने ही बिजी हो सकते हैं, बहुत सारा काम आपके पास हो सकता है, लेकिन 5 वर्षों में एक बार आपके पास मौका आता है अपनी सरकार चुनने का, उसको गवाए नहीं। आप जरूर घर से निकलें, वोट डालने जरूर जाएं। आप किसको चुनते हैं यह आपका व्यक्तिगत फैसला है, आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से चुनें, सही सुने, सही चुनें। अगर आप अच्छी सरकार चुनेंगे तो आपके गांव तक सड़कें आएगी, आपके गांव तक बिजली आएगी, आपके घरों तक पानी पहुँचेगा, आपके खेतों तक पानी पहुँचेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बनेंगे, आपके देश की सीमा सुरक्षित होगी और आपके देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, घोटाले कम होंगे। अगर आप अच्छी सरकार चुनेंगे तो नेता आपके पास होगा और हर मुसीबत में आपकी सहायता करेगा। लेकिन अगर आप अपना वोट एक बोतल दारू, एक मुर्गा, एक बकरा, एक साड़ी, एक कंबल, एक सोल के साथ बेच देंगे तो आप सोच लीजिए, आप अपना वोट नहीं बेच रहे, अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। आप अपने बच्चों के कैसा भविष्य देना चाहते हैं ये सोच करके, ये विचार करके आप वोट डालिएगा। अच्छी पार्टी को चुनें, अच्छे नेता को चुनें, सही सुनें, अपना वोट बिल्कुल ना बेचें। जातिवादी मानसिकता लेकर के चलने वाले लोगों को, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोगों को, अगड़ा पिछड़ा करने वाले लोगों को बिल्कुल भी वोट ना दें। प्रण ले लें, संकल्प ले लें कि जातिवादी की मानसिकता लेकर के चलने वाले लोगों को हरगिज वोट नहीं देंगे। आपका वोट जो व्यक्ति खरीदने की कोशिश करेगा उसको बिल्कुल वोट नहीं देंगे। इसी एक संकल्प के साथ 7 दिसंबर को याद रखें, हर काम छोड़ करके घर से निकलें, वोट जरूर डालें। इसी एक अपेक्षा के साथ ये छोटा सा बालक राजस्थान की जनता से निवेदन करता है, 7 तारीख को घर से निकलें, वोट जरूर डालें। इसी एक संकल्प के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।